this one is a 40 kg one, I got it. Like you will get mix match of things. आपको mix match का मिलेगा, ये आपका एक बड़ा rod है, ये शायद ये बीच का connecting rod है. So आप दो dumbbells को इधर इधर कर सकते हैं वैसे. I mean आप left hand right hand से एक एक dumbbell ऐसे ऐसे करते हैं ना exercise. और अगर आप चाहते हैं तो दोनों को connect करके एक single बना सकते हैं, तो उसके लिए बीच का connecting rod है ये वाला. And I hope you can see. So everything is still packed. मैंने खोला नहीं है आपको दिखाने के लिए कि कैसे ये आता है. वैसे 40 kg बहुत भारी होता है, आप कभी I do not recommend unless कि आप एक जिम खोलना चाहते हैं तो, या फिर बहुत सारे लोग साइमल्टेनियसली करना चाहते हैं तब 40 kg सही है, वरना आपके लिए 20 kg इज गुड. आप ऑर्डर करते हैं तो 20 kg इज गुड. सो 40 kg में आप देख सकते हैं ये है, ओह माय गॉड, ये है 5 5 5 5 10 5 5 10 20 और 10 10 20 20 20 40. सो ऐसे मिक्स मैच करके दिया है इसने, तो इसको भी देखते हैं इसको. और ये काफ़ी सॉलिड है, और मतलब आप बोल नहीं सकते कि क्या है ये, एकदम सॉलिड है, मतलब मोनोलिथ है कम्प्लीटली. और ऐसा नहीं, मैं रिव्यू में पढ़ा था कि लोग बोल रहे थे कि इसमें सीमेंट है या कुछ है तो वो हिलता है या साउंड होता है, वैसी कोई बात नहीं है बिल्कुल. ये एकदम सॉलिड है, मतलब लगता है जैसे कि टोटली एक क्या बोलते हैं उसको, एक स्टील की इतनी बड़ी ब्लॉक है ना, बिल्कुल वैसी फीलिंग है इसकी. अनलेस कि आप इसको बार बार इसको क्या है कि ज़मीन पे ऐसे ऐसे अगर ड्रॉप करते हैं तो शायद इसमें से अंदर कुछ टूट सकता है. तो ये हो गया 5 5. तो आज का दिन वैसे अच्छा है इसलिए मैं आज इसको अनरैप कर रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको. तो 5 5, जिस दिन मैं इस चीज़ को टोटली उठा के लेके आया तो मैं तो बिल्कुल ला के नहीं ला पाया. और मैं ऑलमोस्ट एक दिन सोया, इतना 40 kg इतना हैवी होता है. वैसे तो मैंने इसको ऑफर से लिया था, तो आप ये देख सकते हैं ये है इसका रॉड है और कुछ स्क्रू टाइप्स के हैं यहाँ पे. तो स्क्रूज है मतलब इसको आप पहले इसको डालेंगे, फिर ये आपका बोल्ट है, ये बोल्ट है और ये गया इसके अंदर और यहाँ पे आपका जाएगा ये. तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये बिल्कुल फिक्स्ड पॉइंट पे ही लग सकता है. ये हो गया यहाँ पे, फिर हम लोग इसको करते हैं. आई होप यू कैन सी इट. ये फिर मैंने यहाँ से इसको जो है अपने ये बोल्ट को खोला फिर यहाँ से, ठीक है. 5 kg 5 kg हो गया ये, 5 5 10 हो गया. तो मतलब अब एक हाथ से 10 उठाएंगे एक बार में, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि मैंने मेटलिक वाले यूज़ किए थे, तो मुझे लगता है कि वो टोटल ही ऑलमोस्ट 5 kg का था जो मैं पीछे पहले यूज़ करता था. अब ये देखिए ये फिक्स हो गया, ओह माय गॉड, काफ़ी भारी है, 5 5 10 है ये. ओके, सो ये एक हो गया सिंबल, फिर दूसरा करते हैं. इंश्योर कीजिए कि आप इसको टकराइए नहीं जमीन पे. तो आई शो यू दिस वन आल्सो हियर, देन इन द एंड आई विल शो यू कि आपको ये क्यों लेनी चाहिए, मतलब इसका कोई हेल्थ बेनिफिट है भी कि नहीं. वैसे तो मैं अभी भी बता सकता हूँ आपको. बात यह है कि आपको जब आप वेट उठाते हैं तो आपका बॉडी वर्क परफॉर्म करता है, तो इसीलिए आपको अगर वर्कआउट चाहिए, आप खाना खाते हैं और बहुत बैठे बैठे काम करते हैं तो ये डंबल्स बहुत अच्छे हैं. इसको आप कंबाइन करेंगे किसी एरोबिक एक्सरसाइज के साथ, जैसे रेजिस्टेंस साइकिलिंग जो होती है, उसको क्या बोलते हैं, जो रेजिस्टेंस साइकिल होती है स्टैटिक वाली जो, तो वो वाली यूज़ कर सकते हैं आप, साइकिलिंग यूज़ कर सकते हैं उसके साथ आप इसको कंबाइन कीजिए. अगर वो भी नहीं कर सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी करेंगे तो काफ़ी आपका जो है ना, आपका बॉडी से वो एनर्जी रिलीज होगा, मतलब एनर्जी यूज़ अप हो जाएगा. आप जो खाना खाते हैं कैलोरीज, तो कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये जो है वेट लॉस में हेल्प करेगा ऑब्वियसली.
और मेरा जैसे मैं काफ़ी लीन और थिन हुआ करता था, लेकिन बीच में मेरे को खाने की वजह से अभी मेरा वेट हो गया है 75 था, फिर 80 हो गया है। उसको मेरे को अभी लेके वापस 70 पे जाना है। और मैं काफ़ी ज़्यादा चाय पी लेता हूँ एक दिन में, शुगर वो हो गया, और उसके ऊपर मैं राइस खाता हूँ, रोटी बहुत कम खाता हूँ। तो मेरे को ये चाहिए ही चाहिए। और इसके कॉस्ट के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये 6 मंथ जिम से जाने से चीप है, इस चीपर देन दैट। सो आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए। वैसे जिम बहुत क्राउडेड रहता है मेरी एरिया में, जिम इज़ वेरी क्राउडेड। प्लस मैं अगर उतने पैसे में 6 महीने घर में करूँ तो दैट्स बेटर। सो ये देखिए आप, ये हो गया 10 kg, और 20 kg को तो आप सपने में भी नहीं उठा सकते, मतलब 10-10-20 वाली जो है उसको तो शायद आप कहाँ फिट करेंगे उसको, मेरे को तो लग ही नहीं रहा ये भी फिट होने वाला है। ये मैंने ऐसे ही खरीद लिया लगता है मेरे को, 20 kg वाले। और ये है इसका, अभी तो उसने दिया नहीं है ये, ठीक है आप इसको ओके ओके एट अ टाइम आई थिंक आप उनके साथ कंबाइन कर सकते हैं, मतलब आप समझ रहे हैं कि एट अ टाइम आप 4 ही यूज़ कर सकते हैं, इधर इसको रिप्लेस कर देंगे और 10 वाली लगा देंगे, मतलब 10-5-15 हो जाएगा। वैसे मैं टोटल ऐसे करके उठाने का रिकमेंडेशन तो बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि आप हमेशा केयर लीजिए अपना कि बहुत ज़्यादा वेट ना उठाएं कभी भी। आपको पेरिनियम एरिया है, आपका स्टमक है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, कभी भी जोश में आके बहुत ज़्यादा उठाने का कोशिश मत कीजिए। एंड आप इसीलिए कम ही उठाया कीजिए। तो मैं तो इनको तो रख देने वाला हूँ, ये मतलब आपका जो कैपेसिटी बढ़ेगा तब आप धीरे धीरे उसको कर सकते हो, शायद मेरा 4 महीने के या 6 महीने के बाद ही उनको टच कर सकता हूँ मैं। सो आई डोंट नीड दिस थिंग राइट नाउ। और ये काफ़ी फ्लिमजी लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये जो बीच वाली रॉड है ये मतलब फिक्स ही नहीं है, ये जैसे जैसे घूमती है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट आई थिंक दिस थिंग्स आर एनफ। थोड़ा कम करके आप उठा दीजिए इनको, और दिस इज इट, दिस इज प्रीटी सैटिस्फैक्टरी। ये हो गया 10-10-20, 5-5-10, 5-5-10-20। दैट्स व्हाई आई रिकमेंडेड यू कि आप 20 का ही खरीदिए मैक्सिमम। तो मैं वैसे अभी बैठा हुआ हूँ, ये देखिए लूज है यहाँ पे, ये जो बोल्ट्स हैं उनको टाइट करके रखिए, तो बस हो गया। सो दैट्स इट।